इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नई समस्याएं, इसको हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 5। भाग 5 में हम जानेंगे रंजीत सिंह और जय सिंह ये दोनों कौन थे। चलिए बिना समय गवाए पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं समय बर्बाद नहीं करता। तो हम नई समस्याएं में पढ़ना है रंजीत सिंह और जय सिंह। उसके नीचे है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दोरू, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। आशा करते हैं कि इस पार्ट में खत्म हो जाए। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रास्त, मतलब पूरा अत्याचार जहां हो रहा है वहां पे त्रास्त और पस्त, जो कुछ लोग खुश भी होंगे जरूर थे, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे, मतलब कुछ लोग ऐसे अवश्य रहे होंगे जो कुछ लोग त्रास्त में है, कुछ लोग मर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे हैं। ये उस समय की भी बात थी जब लोग हंसते थे और कुछ लोग रोते थे। आज की नहीं ये समस्या सदियों से चली आ रही है। जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहेंगे उन्हें, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया। जो कुछ लोग समझना भी चाहते थे, लेकिन जो घटना इतना तेजी से हो रहा था, घटना तेजी से होने का मतलब बाढ़, पानी आता है ना बाढ़, वही, तो उन सब ने दबा दिया उस सबको। इतना ना घटना हुआ कि उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव ना पड़ सका। पहले तो लैपटॉप था नहीं, पहले तो मोबाइल था नहीं, पहले तो लेटर बॉक्स चलता था, वो भी कौन सा, वो आप खत लिखोगे तो महीना दिन बाद पहुंचेगा। तो ऐसे सब सिस्टम थे उस समय, क्योंकि आविष्कार ज्यादा नहीं हुआ था, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन से एरिया के लोग कब मारे गए। बस मालूम चलता था कब, जब कोई व्यापारी जाकर आता था तो वही हल्ला करता था, बताता था, नहीं तो किसको क्या होता है किसी को पता ही नहीं चलता था। उसके बाद हमारा है ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह थे। मतलब कुछ लोग था जिसमें जिज्ञासा भरा हुआ था, उसमें महाराजा रंजीत सिंह आते थे। वे जट सिख थे और रंजीत सिंह पंजाबी थे। जट सिख थे, उनमें पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था, जिनके नाम से पंजाबी जाने जाते हैं आज, महाराणा रंजीत सिंह। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया और पंजाब आज, मतलब पहले वो कश्मीर तक चला गया था। कश्मीर तक कहाँ, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब जीतते हुए उन्होंने कश्मीर तक राज किया था, ठीक है। उसके बाद है अपने कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। उनकी भी कोई ना कोई कमजोरी थी, वह अत्यंत मानवीय था, मतलब लोगों से काम कराने की इनके पास प्रवान बुद्धि थी, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धि थी, इतना कि अपने भाषण से हर किसी को बदल सकते थे। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। अब महाराणा रंजीत सिंह एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराब पसंद नहीं करते, लेकिन वो फिर भी खून खराबा वो पसंद नहीं कर सकते थे। बहुत लोग को होता है खून वगैरह पसंद नहीं आता है। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उच्चकों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, और इंग्लैंड में वहां पर राजतंत्र था, तुम चोरी किए तुम बेटा जाओगे, तुम मरोगे, मतलब चोरी तो फांसी, कुछ भी करो फांसी, तुरंत मौत की सजा। सबसे दर्दनाक तो होता था कि सूली पर चढ़ा देते थे, मतलब लोहे के नोक पे आपको बैठा दिया जाएगा, शरीर के अंदर तक वो चला जाएगा। उसके बाद से था जिस तरह क्रिश्चियंस का मौत हुआ था, उनको हाथ में, सिर में, पैर में ठोका गया था कील, उसी समय क्रिश्चियंस भी मारे गए थे, इसलिए क्रिश्चियंस मनाए जाते हैं। क्रिश्चियंस के जाओ, जहां भी जाओगे आप किसी भी चर्च में, तो उसमें किसी आदमी को ही लटकाया गया, वो क्रिश्चियंस थे, उनका नाम ही था। उसके बाद उसने मौत की सजा बंद कर दी, लेकिन
महाराणा रणजीत सिंह ने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना भी बड़ा हो, चाहे जुर्म कितना भी बड़ा हो, लेकिन मौत नहीं होगा। किसी को मरना नहीं, उम्र कैद हो सकता है लेकिन मरेगा नहीं। उम्र कैद मतलब जब तक जियोगे तब तक जेल में रहोगे। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली, और महाराणा रणजीत सिंह युद्ध के अलावा कहीं किसी की जान नहीं ली। गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई, और एकाधिक मतलब एक से अधिक बार महाराणा रणजीत सिंह की जान से मारने की कोशिश की गई थी। कि होता है, राजाओं को बहुत लंबे समय तक तो जिंदा कोई छोड़ता ही नहीं है, लेकिन आजकल के राजाएं ठीक हैं, आजकल के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, प्रधानमंत्री, ये लोग जब तक शासन लोकतंत्र सपोर्ट करेगा तब तक वो लोग राज करेंगे, नहीं करेंगे उतर जाएंगे, दूसरा करेगा। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। और देखो, उनका जो शासन था वो निर्दयता मतलब किसी पे अत्याचार नहीं किया जाता था, किसी को गलत नहीं बोला जाता था, किसी को कुछ सजा नहीं दिया जाता था कि तुम कुछ भी करो तुमको मौत की सजा दी जाएगी। और उसके बाद दमन, किसी का कोई भी सामान है उसको जबरदस्ती नहीं लिया जाता था। उसके बाद से बहुत सारा बात है जिसको जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाता था उनके राज में, महाराणा रणजीत सिंह के राज में। उसके बाद एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता, राजपूताने में जयपुर का सवाई जयसिंह, जो एक दूसरा जो था जयसिंह, वो राजपूताने एरिया के थे राजनेता, राजपूताने में जयपुर में मतलब राजस्थान में, राजस्थान चाहे गुजरात में जयपुर है, तो वहां के जयसिंह, उसका समय कुछ और पहले था, मतलब इनके महाराणा रणजीत सिंह के पहले का उनका शासक था, इनका मतलब इनका समय पहले का था। उसकी मृत्यु 1743 में हुई थी, मतलब 1743 में हुई थी, ठीक है। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल-पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर थे, इतना चतुर मतलब थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने धावा बोलना चालू कर देते थे, ठीक है। और देखो, चतुर और अवसरवादी था, मतलब चतुर तो थे ही लेकिन किसी भी अवसर को फायदा उठाना वो बखूबी जानते थे। मतलब थोड़ा सा तुम ढील दो हम तुम्हें चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसे कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। अब देखो, उस समय युद्ध चरम सीमा पर चलता था, मतलब एक के बाद धक्का लगता था कि तुम आपका ये राज खत्म, ये गांव दूसरे के हवाले हो गया, लेकिन धक्कों और परिवर्तनों जितना भी बदलाव हो रहा था उसके बावजूद जयसिंह बचा रहा, ठीक है। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञान और नगर निर्माण करने वाला था। और वो तो गणितज्ञ था, पहले तो मैथ में प्रकांड पंडित था, मतलब बहुत तेज था मैथ में, खगोल विज्ञान का भी उसके पास जानकारी पूरी थी, और नगर निर्माण उन्होंने बहुत कराया था। मतलब अपने नगर निर्माण तो हर कोई करा लेते हैं, तो नगर निर्माण कराने वाला था, और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। और महाराणा जयसिंह, जो राजा जयसिंह थे, उनकी ज्यादा दिलचस्पी, आज में हॉबी बोलते हैं उसको, हॉबी था इतिहास के बारे में जानना। इतिहास के बारे में जानने से मतलब है कि इतिहास के बारे में जानेंगे तभी हम इतिहास से सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। उन्होंने
जयपुर से चलकर दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी विद्यालय बनाए, मतलब स्कूल बनवाए जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिसमें से बुलंद दरवाजा तो औरंगजेब बाबर फैमिली का बनाया हुआ है। बुलंद दरवाजा ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसने जयपुर नगर बसाया और जयपुर नगर बसाने वाला जयसिंह ही है। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे, मतलब यूरोपीय नगर का जो नक्शा था, इकट्ठा किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया, और यूरोप के नक्शे को इकट्ठा करके अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के जयपुर में अजायब घर है, अजायब घर में सुरक्षित है, अजायब घर मतलब म्यूजियम में सुरक्षित है। तो जयपुर में जो अजायब घर है, जो नहीं गए हैं वहां पे जाकर देख सकते हैं कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बनाकर, मतलब सुरक्षित उस ढांचे को छुपा कर रखा गया है, मतलब सेफ करके रखा गया है, जिसको वहां से चुराना निकालना इम्पॉसिबल है। अगर कोई कितना भी रुपया दे देता है कि नहीं भाई तुम चुरा कर लाओ हम सब चीज देंगे, फिर भी ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई कर ले भाई, इतना वहां पर सिक्योरिटी है, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है वो। उसके आगे देखते हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है, और जयपुर नगर का जो योजना था उसको आज भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह के मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ, 4 साल पहले, मतलब जब नादिर शाह हिंदुस्तान पर आकर आक्रमण किया था, किसके मरने के बाद? औरंगजेब के मरने के बाद, क्योंकि औरंगजेब जब तक जिंदा था हिम्मत नहीं थी कि कोई हिंदुस्तान पे हमला कर देवे, ये तो उसके में खासियत था। भले औरंगजेब किसी पर हमला कर सकता था, वो मंजूर है, हिंदुस्तान में जीतने के लिए किसी पर हमला कर देगा, लेकिन बाहर के शक्तियों को उखाड़े फेंक देता था, मतलब बाहर के शक्तियों को आने ही नहीं देता था। तो ये जब राजा जयसिंह थे, ये इनके दरबार में षड्यंत्र और बहुत लगातार युद्ध उन्होंने झेला, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ, भारतीय इतिहास के सबसे अधिक भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल युद्ध और उपद्रव से माहौल भरा था, मतलब यह अंधकार का जो युग था उस समय उथल पुथल युद्ध और उपद्रव मतलब फैला हुआ था, वैसा ही माहौल था। राजपूताना के ठेठ सामंती, मतलब राजपूताना के जो ठेठ सामंती थे, मतलब मंत्रीगण, वातावरण में वैसे सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। मतलब जयसिंह उस समय वैज्ञानिक, जिस तरह वैज्ञानिक हमेशा किसी भी परिस्थिति में उठकर काम करते हैं, उस तरह उठकर काम किया, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप, ये अब देखते हैं इसमें क्या क्या बताए जाते हैं हमको, ठीक है। ये टॉपिक हो गया आप लोग का, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप। ओके, अब देखते हैं। अपने आरंभ में दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना, मतलब इन लोग का यही काम था कि भारतीय माल को यूरोप में ले जाकर व्यापार करना है। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में
उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे और यूरोप में जो बनता था उससे बहुत अच्छा दिखने और अच्छा लगने वाला हिंदुस्तान का प्रोडक्ट था, मतलब हिंदुस्तान का सामान था। और हिंदुस्तान के कारीगर और शिल्पकार ऐसे थे कि ऐसे डिजाइन बना देते थे कि इंग्लैंड भी उनके सामने फीका पड़ने लगा था, मतलब मुकाबला के टक्कर था उन लोगों का। इसलिए तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब हिंदुस्तान पे ही कब्जा कर लेते हैं। इस उद्योगीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे फैक्ट्रियों के बारे में मालूम चलेगा, औद्योगीकरण जिसमें किस तरह फैक्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ था, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी, मतलब इतनी प्रसिद्ध थी उस समय, मतलब भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगातार, मतलब भारी चुंगी लगातार और कुछ चीजों का तो आना बंद करके रुकना पड़ा। मतलब देखो हुआ क्या, मतलब भारतीय सामान का भंडार वहां पे इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था कि कुछ चीजों क्या, हर चीजों को वहां पर, मतलब यहाँ पर दिया गया है, कुछ चीजों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। मतलब हिंदुस्तान से जितने भी सामान जा रहे थे उसको बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था। मतलब भारत के अर्थतंत्र कितना भी विकसित हो, लेकिन बाहर वाले देश का मुकाबला भारत नहीं कर सकता था, जिनका औद्योगिकरण हो चुका था, जिनका औद्योगीकरण हो चुका था। अब देखो हम एक मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी का बर्तन बनाने में हमें 3 घंटा लगता है, ठीक है, 3 घंटा से भी अधिक लगता है, क्योंकि हम पहले मिट्टी को सानेंगे, मिट्टी को सान कर बनाएंगे, बनाने के बाद सुखाएंगे, सुखाने के बाद पकाएंगे। और फैक्ट्री में जो मशीन काम करते थे, मशीन कैसे काम करते थे, उसमें मटेरियल डाल दो, वो बनते गया वो एकदम हार्ड मेटल मेटल होता था, मेटल जैसा, मतलब तो ठोस होता था, तो सूख जाएगा तो तुरंत बन गया। तो उनकी औद्योगीकरण के कारण हम लोग की बाजार व्यवस्था खत्म होना चालू हो गया। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने, मतलब अपने यहाँ कल कारखाने लगाए, ठीक है, या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करें। मतलब दो ही चीज वहां पर हो सकती थी, कारखाने वो खुद लगाए और नहीं तो बाहरी घुसपैठ के आगे समर्पण कर दे, मतलब शीश झुका दे, उनके अंडर में काम करना चालू कर दे, जिसके आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसके आगे एक ही परिणाम है राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया, और जब अंग्रेजी हुकूमत, विदेशी हुकूमत जब हिंदुस्तान आई तो बहुत तेजी से अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया गया, मतलब आर्थिक व्यवस्था हिंदुस्तान की नष्ट कर दिया उन्होंने, जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई, और उसकी जगह पर कोई भी बनाया हुआ, चाहे कोई भी समाज, कुछ भी सामने नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी कब, जब हिंदुस्तान का अर्थतंत्र खत्म कर दिया था तब, ठीक है। व्यापारियों को कंपनी होने के कारण, व्यापारियों की जब कंपनी थी, कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब उसे
वह तेजी से अपार धन कमा रही थी। एडम सिंथ। उस समय एडम सिंथ ने सन 1766 सॉरी 1776 1776 ठीक है 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन, उस समय एक किताब लिखा गया द वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखा था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने उस समय धन पर, मतलब जो भारत में हो रहा है उस पे लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। मतलब एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार, मतलब एक ऐसे सरकार जो कंपनियों के बलबूते चल रही हो, किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है, और वह सरकार किसी भी देश के लिए बुरी है। अब देखो, कोई भी देश किसी व्यापार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है? कि जो देश व्यापार पर निर्भर करने लगे तो उस देश का अर्थव्यवस्था गिर जाएगा जब व्यापार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हर व्यापार को अलग रखा गया, हर इनकम टैक्स को अलग रखा गया, पुलिस लाइन को अलग रखा गया। इसलिए व्यापारी और सरकार से, मतलब लोगों से लेने वाले टैक्स कर, उन दोनों को एक अलग प्लेटफॉर्म पर रखकर सरकार को चलाने की व्यवस्था आज के दिनों में चलती है। जो ये देने का ये सब देन है चीन के, मतलब चीनी लोग ने ये देन दिया था किस तरह हमें राजतंत्र चलाना चाहिए। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब शुरू हुआ, मतलब 1600 ईस्वी में शुरू हुआ था। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। मतलब रानी एलिजाबेथ ने, अभी जो विक्टोरिया रानी थी, मतलब ब्रिटिश की रानी जिनकी देहांत हो गया, लेकिन उसके पहले 1600 ईस्वी में उस समय एलिजाबेथ रानी थी वहां की, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर दिया कि भाई तुम जाओ, अब तुम हर देश में जा सकते हो। उस समय शेक्सपियर जीवित था और उस समय व्यापारी शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 ईसा में मिल्टन का जन्म हुआ, 1608 में। उसके बाद हेल्पडेन, उसके बाद हेल्पडेन, और बताता हूँ, हेल्पडेन और कामवेल्स सामने आए। और हेल्पडेन और कामले मतलब कामवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईसा में इंग्लैंड की रॉयल मतलब राजसीय सोसाइटी की स्थापना हुई। समझो कि जो ब्रिटिशर जितने उड़ रहे हैं, इतने थे उस समय फैले हुए, जिनकी स्थापना 1660 में ही हुआ था, ज्यादा में नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही लोग आए और शासन करना चालू कर दिए। आज 400 वर्ष ही तो हुआ है उनको, ज्यादा कहाँ हुआ है। स्थापना हुई जिसने विज्ञान के प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बनाने के तेज धड़की का आविष्कार हुआ। मतलब कपड़ा बनाने का एक मशीन जिसको ढरकी बोलते थे, उसका आविष्कार 100 साल बाद हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक वैज्ञानिक में बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान लगाया और हर लोगों को बोला कि तुम नया क्रिएशन करो, मतलब कुछ नया बनाओ। और उसके बाद तेजी से एक-एक करके कातरने की कला, मतलब कुछ बनाने की कला, इंजन और मशीन कला तो ठीक है, कातने की कला, किसी भी चीज को बना दो। उसके बाद से इंजन, ट्रेन की इंजन, मशीन के करघे निकले, मतलब मशीन के करघे निकले, मतलब उस समय डिजाइन निकला, और डिजाइन निकालने के बाद उस पर काम चला, और 1700 ईस्वी में ट्रेन का आविष्कार हुआ, चलना चालू हो गया। उसके बाद है
में कौन सा इंग्लैंड आया था, मतलब इन दोनों में से कौन सा इंग्लैंड आया था, शेक्सपियर और मिल्टन वाला इंग्लैंड आया था, या शालीन बातों लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला आया था, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला आया था, या विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड साहित्य और निरसंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था। अब इसमें जानना है कि कौन सा इंग्लैंड हमारे हिंदुस्तान में आया था, क्योंकि ये जानना हमारे लिए जरूरी था, अभी भी है, क्योंकि हमने नहीं जाना कि कौन सा हिंदुस्तान में इंग्लैंड आया था, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत से पार्ट थे, कुछ अच्छे थे तो कुछ गलत थे, कुछ बुरे थे। ऐसे में है ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो सकता, मतलब हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे, मतलब गलत इंग्लैंड गलत भारत, मतलब गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। अच्छे लोग आए तो अच्छे को बढ़ावा देंगे, क्योंकि बाहर से ही कुछ लोग आते हैं। देखो स्कूल में होता क्या है, जो टीचर पढ़ाते हैं वो कैसा भी पढ़ाए उनको चलेगा, लेकिन एक बाहर का टीचर आए अच्छा पढ़ाने लगे तो उस सारे शिक्षकों को दिक्कत हो जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं सब चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन PhD हर चीज की पढ़ाई आपको इंद्रजीत स्टडी पॉइंट मिलेगी, जो आप हमेशा पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम पढ़ सकते हो। बहुत टीचरों को, बहुत स्कूलों को दिक्कत होगा, बहुत कोचिंग संस्था को दिक्कत होगा कि ये आ गया हमारा बिजनेस मार रहा है, तो बस वही हाल है यहाँ पर भी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता होने का समय है। जब अमेरिका जब आजाद हुआ उस समय हमारा भारत गुलाम हुआ। ठीक है, यह सच है कि अमेरिकियों ने बहुत से गुण हैं, मतलब अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हमें बहुत सी कमजोरियां हैं, और हम में तो बहुत सारा कमजोरियां तो थीं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन समृद्धियों स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। देखो अमेरिका में क्या था, अमेरिका में बहुत सारे बदलाव हुए थे, लेकिन अब हमारे तरफ बदलाव ये रुक गए हैं। उस समय क्या था कि जो नया चलन आएगा उसमें हम बढ़ जाएंगे, लेकिन अब का चलन था, मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो चलन था स्मृतियों, ठीक है, और उसके वजह से हमारी जो परंपरा था, मतलब हम जो सोचते थे वही करेंगे और जो मतलब हमारे पूर्वजों ने बता कर गया हम वही करेंगे। बिल्ली बांधो तो बिल्ली बांधा ही रहेगा, खुलेगा नहीं, वैसे परंपरा थे हमारे। इसलिए जब भी मौका मिले इतिहास बदलो, परंपरा बदलो, समाज बदलो, जो भी बदलने को मौका मिले बदल डालो, सबसे पहले अपना विचार बदलो, क्योंकि वही मेन है। ठीक है, फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत बड़ी बोझ नहीं उठाई होती जैसे कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं समझाई होती, मतलब ये बीड़ा अंग्रेजों ने नहीं उठाया होता कि लंबे समय तक स्वराज्य की कला, स्वराज्य करने की कला, कठिन कला जो अंग्रेजों ने हमें सिखा कर गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। ठीक है, जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत ने केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि अगर हमारे पास स्वराज्य के कला जो कठिन कला जो था अगर होता तो हम बहुत स्वतंत्र और मतलब बहुत अधिक समृद्ध होते। विज्ञान
बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बताती है उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। मतलब अगर हमारे पास स्वराज्य करने की कला होती तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान में सब राज्यों जितना भी राजा था सब उस सबको बैठाते, मीटिंग करते हैं। मीटिंग में होता कि चलो भाई हम सब दूसरे एक दूसरे के सब साथी रहेंगे, समान रहेंगे, जो जितना है उतना फैला रहे, हर किसी को हर कोई मदद करेगा और बाकी का जो आक्रमण होगा हम सब मिलकर उसको झेल देंगे। अगर ये हम लोगों के दिमाग में होती ना, जो अकबर करके गए, जहांगीर कर कर गया, अशोक करके गए, चंद्रगुप्त मौर्य करके गए, तो वो सब तो था लेकिन बहुत सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए थे, इसलिए मानसिकता खत्म हो गई। 1500 साल पहले की बात कौन याद रखता है? आप याद रखते हो? आप हम लोग की तो मानसिकता ऐसी हो गई कि हम कल की बात भूल जाते हैं, पढ़कर आए घर पे आए पढ़ाई स्कूल में ही छोड़कर आ जाते हैं, इसलिए हम भूल गए, हमारे ग्रंथ को जला दिए गए। ये एक्सक्यूजेज है, मतलब ये बातें हैं, कमजोरी है बताने का कि हम इतना इतना हुआ था, हम इतने कमजोर थे, लेकिन नहीं थे। लेकिन अंग्रेजी गवर्नमेंट आई, बहुत अच्छा किया, आया हम लोग को सिखाया, हम लोग को एक किया और एक करकर ही किया। हम ही लोग भगाए थे, हमारे पूर्वजों ने, फ्रीडम फाइटरों ने भगाया था। मतलब हिंदी में बोले तो स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ा, स्वराज्य की स्थापना जिन्होंने की, स्वराज्य की मांग जिसने की, स्वराज्य मतलब अपन आमची राज्य, अपना राज्य, महाराज मतलब महाराष्ट्र में आमची राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट कौन सा है? हमारा अगला चैप्टर चालू होने वाला है, तो अगला चैप्टर हमारी होगी अब अंतिम दौर एक, छठा नंबर चैप्टर, छठा नंबर पार्ट है अंतिम दौर एक, उसके बाद है अंतिम दौर दो, जो ये दोनों हमको पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और पढ़ाई मन लगा कर करना, अगले वीडियो में भी जरूर आना पढ़ने के लिए।